नमस्कार, मैं विजय दुबे आप सभी लोगों का न्यूज एक्सप्रेस मीडिया की तरफ से स्वागत करता हूं। आज हम लोग राजदरी जाते समय एक बहुत ही विशाल डैम के पास आए हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत भीहड़ी जंगल था, लगभग 25 किलोमीटर का रास्ता लगभग जंगल से ही गुजरते हुए हम लोग आए हुए हैं। इसके पहले हम लोग चूनादरी गए थे, चूनादरी से आते हुए लगभग 45 से 46 किलोमीटर का रास्ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डैम है। इतना बड़ा डैम आप देख सकते हो कि लगभग यदि इस डैम के पानी को छोड़ दिया जाए तो यहाँ के आसपास के जितने भी गाँव हैं, जंगल हैं, वो डूब जाएंगे। इस डैम में पानी को एकत्रित करके सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कितना विशाल डैम है यहाँ पर स्थित है। और अभी तो इसमें थोड़ा बहुत पानी कम आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही बरसात और अधिक होगा इसमें और भी पानी निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरे दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यहाँ पर सैलानी लोग भी घूमने फिरने के लिए आते हैं बहुत ही ज़्यादा तादाद में। बगल में ही राजदरी है, देवदरी है, जिसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर शूट करने के लिए। आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप भी यहाँ पर आना चाहें तो चकिया चंदौली डिस्ट्रिक्ट में ये डैम अवेलेबल है और आप यहाँ पर आ सकते हैं और इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि कितना विशाल डैम है। लगभग ये हमारे समझ से 15 किलोमीटर दूर तक ये बहुत बड़ा डैम बना हुआ है। इस डैम में बहुत ही पानी एकत्रित किया जाता है सिंचाई के लिए और आप भी यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आ सकते हैं। जब कभी भी डैम को पानी को छोड़ा जाता है तो वहाँ पर लॉकिंग सिस्टम बनी हुई है, दरवाजे हैं, उसको खोलते हैं लोग और उसके खोलने के बाद पानी को सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो उसके दरवाजे को खोल करके पानी को निकाल दिया जाता है। आप कभी भी घूमने फिरने के लिए आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। बगल में ही राजदरी है। और मैं विजय दुबे, कैमरामैन ज्ञान के साथ, न्यूज एक्सप्रेस मीडिया।